नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर के भाव 100 रुपए किलो हुए तो संभल के सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि जब टमाटर के भाव 100 रुपए किलो हो गए हैं तो वोट तो बहुत महंगा है और फिर क्यों वोट देगा कोई। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी और आरएसएस की है, फिर भी सरकार को महंगाई और गरीब की फिक्र नहीं है। डॉक्टर बर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ 2024 देख रही है, उसे महंगाई की कोई चिंता नहीं है। ये हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीजों को तो नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब आदमी का कैसे जिंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसके उसे कोई चीज न मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो। बरसात शुरू होने के साथ साथ सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इन दिनों खासकर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सपा दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते हुए बकायदा सब्जियों की आरती उतारी और आरती के दौरान भाजपा सरकार को घेरा है, जिसका वीडियो जारी करते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ने लगते हैं। देखिए, आज भाजपा सरकार में टमाटर 100 के पार पहुंच गया, सरकार का कोई प्रतिबंध अब नहीं रहा। हम तो ये कहते हैं कि जब टमाटर की मूल्य वृद्धि को सरकार नहीं रोक पा रही है तो और महंगाई सरकार कहां से रोकेगी। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने टमाटर राजा की आरती उतारकर सरकार को विरोध जताने का काम किया, सरकार की आंखें खोलने का काम किया कि गरीबों का निवाला आज टमाटर 100 के पार पहुंच गया। अरे हम तो यही कहते हैं। वहीं वाराणसी NSUI के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। NSUI जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार रसोई घर पर वार कर रही है, भारत की गृहस्थ महिलाओं को परेशान कर रही है। आज वर्तमान समय से रसोई का गैस का दाम 1200 हो गया है, तो वहीं टमाटर हीरे के दाम में बिक रहा है, अदरक 250 रुपए किलो है। एक तरफ भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है महंगाई, जिससे भारत का हर नागरिक परेशान है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिसका हम सब विरोध करते हैं। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन करने पर हम मजबूर होंगे। जनरल ऋषभ पांडे, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ऋषभ, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, आज हम सभी NSUI के साथी, संपूर्ण विद्यालय के छात्र, विद्यापीठ के छात्र, तमाम बनारस के NSUI छात्र जो महंगाई से थक चुके हैं, जिनकी माँ घर में परेशान है, आज घर की माँ आंसू रो रही है, उनके आँख से पानी निकल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ोतरी हो रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज वर्तमान समय लगा है टमाटर 100 रुपए किलो है, अदरक 250 रुपए किलो है। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर निवासी नफीस अहमद मीडिया सेंटर पर पहुंचकर पत्रकारों के सामने आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में मेरा फर्नीचर का कारखाना है। इस कारखाने से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, मगर वहीं पड़ोस के रहने वाले शबाब आलम पुराना हिस्ट्री सीटर बदमाश है। शबाब आलम मेरे कारखाने पर 2 अज्ञात साथियों के साथ 22 जून को आया और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा और तमंचा दिखाते हुए 1 लाख की रंगदारी मांगने लगा। मेरे मना करने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में पहले भी मेरे द्वारा कोतवाली पुलिस को भी अवगत कराया जा चुका है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बदमाश शबाब आलम पूर्व में भी लूट, हत्या, डकैती, चोर, अपहरण जैसे दर्जनों केसों में अपराधी है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पुलिस मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे। केंद्र और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे संपर्क से समर्थन अभियान के तहत
झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने जनसंपर्क किया। इस दौरान विकास के नाम पर सवाल पूछने पर सांसद ने चुप्पी साध ली और मोदी योगी के कार्यों की को गिनवाने लगे। वहीं क्षेत्रीय समस्याएं जस के तस के सवाल पर कहा कि काम जरूर हो गया, लेकिन कब ये खुद उन्हें भी नहीं पता। झांसी की तरफ है, ये बहुत सारी है और दो तीन योजनाएं अगले एक दो महीने में वो जब हो जाएगा, जब मैं उद्घाटन करने आऊंगा तब उसके बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज की स्थिति ये है कि कुछ भी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं, रेफर सेंटर है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके प्रयास से यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर की बात कही जाती है या ऐसा उपचार हो जाए ताकि लोगों को झांसी ना जाना पड़े। ट्रामा सेंटर के बारे में जब तक मैंने ये विषय संसद में नहीं उठाया था तब तक तो मेरे ख्याल से किसी सापा वाले ने तो नाम भी नहीं पता था। बोला गया था भाई साहब आप सवाल मेरे से पूछ रहे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। झांसी में ग्राम विकास अधिकारी और सुपरवाइजर समाज कल्याण की परीक्षा 40 सेंटरों पर आयोजित की गई, जिसमें 4 पालियों में 70,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें झांसी में परीक्षा ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान 4 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया, जिसके उक्त लोग फर्जी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बनाकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। पकड़े गए लोग अलग अलग जिले के बताए गए हैं, जो मूल अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। पकड़ी गई सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झांसी के 3 थानों में अलग अलग स्टैटिक मजिस्ट्रेट और विद्यालय स्टाफ द्वारा मामला दर्ज कराया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। ग्राम विकास अधिकारी तथा पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति हेतु झांसी जनपद में करीब 40 सेंटरों पे परीक्षा आयोजित की गई थी। जो वैकेंसी थी 2018 की थी। इन सेंटरों पे कुल 4 पालियों में परीक्षा हुई थी 26 और 27 तारीख को मिला करके। इसमें कुल करीब 70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने थे। वहीं फिरोजाबाद पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। टुंडला पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान NS2 पर 3 अभियुक्तों को 20 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 चारपहिया वाहन भी बरामद किया है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष लिखा है। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। दीवानी न्यायालय में पेश पर आए बंटी नाम के एक कैदी ने ब्लेड से काट कर आत्महत्या कर ली। ये देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कैदी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। आपको बता दें कि बंटी हत्या के एक मामले में जिला कारागार में बंद था। दीवानी न्यायालय में उसे पेशी के लिए लाया गया था। एक बंदी जिसका नाम बंटी है, जो थाना तिवारीपुर से 54/22 अभियोग में 304 IPC में जेल भेजा गया था, उस व्यक्ति ने आज जेल से यहाँ पे कोर्ट आने के बाद में ब्लेड से अपना गला रेतने का प्रयास किया स्वयं का, लेकिन वो उस प्रयास में असफल रहा। उन्हें इंस्टेंटली इंटरवीन किया गया, उसको अस्पताल ले जाया गया है। वो स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना का कोई। वहीं बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के नसरौल के पास होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे का अंडरपास की गहराई लगभग 15 से 16 फीट की है, जिसमें एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को खेत में काम कर रहे लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरा मामला बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के ग्राम नसरौल का है, जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे के पुलिया का अंडरपास का काम चल रहा है, जिसकी गहराई 15 से 16 फीट की है। बारिश होने के कारण अपने खेत पर काम करने जा रहे 2 बच्चे फिसलकर उसमें गिर गए, जिसमें तीसरे बच्चे ने डंडे की मदद से एक को बाहर निकाल लिया। वहीं रुपेश को खेत में काम कर रहे किसानों ने बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे UCC पर पलटवार करते हुए कहा कि वीर सावरकर देश के बंटवारे का पापी था।
जिन्होंने देश के बंटवारे का सबसे बड़ा षड्यंत्र बीज बोया था। मुस्लिम लीग ने कभी देश के बंटवारे की बात नहीं की। मुस्लिम लीग एक राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करता था। हिंदू महासभा ने दबाव बनाकर मुस्लिम लीग को अपने प्रस्ताव को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया। अगर आज सावरकर पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते तो मुस्लिम लीग के राष्ट्र अध्यक्षों को बताया जाना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। विभिन्न धर्म पंथ मजहब का सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका डिस्कोड भी है। इसलिए अगर वाकई में केंद्र की भाजपा सरकार का कुछ करने का इरादा ही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 40 और 41 के उपबंधों पर पहले काम करें। वहीं कानपुर सचेंडी थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग ने अपनी बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर आज पुलिस कमिश्नर के पास प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि सचेंडी थाना क्षेत्र के 76 वर्षीय बुजुर्ग घसीटा लाल ने बताया कि उनके बेटे का विवाह गया कुमारी के साथ हुआ था। बीमारी के चलते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु के बाद बहू गया दुलारी ने अपने मकान और जमीन पर कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब इस बात का विरोध पीड़ित परिवार ने किया तो गया दुलारी ने उनको रेप केस में फंसाने की धमकी दी। बहू गया दुलारी के पड़ोस में रहने वाले सुरेश के साथ अवैध संबंध है और वो आए दिन उनके साथ मारपीट करती है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी देती है। इस मामले में क्षेत्रीय पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर पीड़ित ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास न्याय की गुहार लगाई। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है घसीटे लाल। कहाँ से आए हो दादा, क्या है मामला? सचेंडी से आए हैं और हमारी बहू हमारे प्रति बलात्कार का मुकदमा लगा रखा है और इनके कास नहीं होने के कारण धकेल दिया है तो इनका हाथ टूट गया है और हम कमिश्नर साहब के रिपोर्ट लेके आए हैं तो उन्होंने कह दिया कि जाओ थाने कल चले जाना, अब तुम्हारे प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।